जिसमें हमने पढ़ लिया है नॉलेज टाइप 1, नॉलेज टाइप 2, उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स और जो क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं, और साथ में हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था पैटर्नो बुची रिएक्शन, उसे एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस इससे आते हैं। वैसे तो जो मैं आपको करवाती हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले ही पोर्शन करवाती हूँ, बट ये उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से एकदम करना है। जितने एग्जांपल्स मैं करवा रही हूँ तो आप करेंगे, ट्राई करना साथ में और भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो अभी ये कहे डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट, तो आपको ना सबसे पहले पहचानना आना चाहिए, जिस मैंने क्वेश्चन से आपको लिखे हुए सब में होना क्या है डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट। आपको ना सिर्फ यही वाली बात रहती है, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं आपको पता चलना चाहिए, कोई नेम रिएक्शन है तो आप किस तरह से बताना लगाओगे, ये सारी चीजें क्या होता है। सबसे पहले आपको नोट्स जो बनाते हो ना तो लिखा करो सबस्ट्रेट ये है, रिएजेंट ये है, उसके बाद मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो ठीक है, बट आपको सबस्ट्रेट और रिएजेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, देखो बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 1,4-diene, ये रिएक्ट करता है, ये सबस्ट्रेट रहेगा आपका फोटोकेमिकल कंडीशन में, और हमें मिलेगा क्या, विनाइल साइड, या छोड़ो इसको ऐसे करके कंफ्यूज हो गए बेवजह, हम ना डायरेक्टली ना बनाएंगे अपना जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट, ताकि हमें याद करना करने में इजी रहे, आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो इस तरह का रहेगा, ठीक है। साइक्लोप्रोपीन आपको मिलेगा एक विनाइल पोजीशन पर, डबल बॉन्ड लगा होगा, ठीक है, ये आपका रहेगा सबस्ट्रेट, फोटोकेमिकल कंडीशन होंगे, ये बनेगा प्रोडक्ट, आप खुद से बना लो, मैं आपको सिखा दूंगी, बट आपको ये पहचानना आना चाहिए 1,4-diene, इसका मतलब क्या है। देखो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर 1,2,3,4,5, डाइन का मतलब क्या है, 1 वाली पोजीशन पर भी और 4 वाली पोजीशन पर क्या है, इन लगभग डबल बोन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1,4-diene, ठीक है, इस तरह का सबस्ट्रेट रहेगा, तो ये तो ठीक है। लेकिन आपको एक चीज तो भूलनी नहीं है बिल्कुल, इसको इस तरह से कर सकते हो कि जो दो डबल बोन है उनके बीच में एक कार्बन होगी, जो हमारी कार्बन नंबर 3 है, एक ऐसी कार्बन आपको हमेशा मिलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कार्बन, या तो सैचुरेटेड कार्बन बोल लो, या फिर इसको इस तरह से कर लो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपकी लगी होगी दो डबल बॉन्ड के बीच में। तो अगर आपका सबस्ट्रेट इस तरह का दिखता है जिसमें डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और बीच में लगी हुई है एक सैचुरेटेड कार्बन, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ हमेशा CH2 होगा, हो सकता है H को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगाया हो, बट ये जो कार्बन बीच में रहेगी ना वो हमेशा सैचुरेटेड होगी, सैचुरेटेड यानी कि कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, उसके सारे सिंगल बोन होंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है। तो बस इसको पहचानना आना चाहिए, जहां पर आपको इस तरह का दिख रहा है, फोटोकेमिकल कंडीशन दिख रही है, तो आप समझ जाओ डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट होनी है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब बस इजी है, अब तो मैं आपको सिर्फ एक मेथड बताऊंगी, मैकेनिज्म करवाऊंगी, उसके बाद सारे काम बस खुद से करोगे, बस पहचानना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने क्या करा, फोटोकेमिकल कंडीशन इसको दे दी। अब क्या होता है, देखो इसमें ना जो वो बनता है इंटरमीडिएट, जो बनता है इंटरमीडिएट बनता है 1,5-diradical, 1,5-diradical का मतलब क्या है कि फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पर रेडिकल बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ये ना बहुत इजी है, अब एक काम करो, जो ये बॉन्ड्स है ना इनको ब्रेक करके रेडिकल की फॉर्म में लिख दो, जैसे यहां पर एक डबल बॉन्ड है, मैंने क्या किया इसको इस तरह से ब्रेक किया, एक ऐसे, तो एक रेडिकल यहां पर आया, एक यहां पर आया, सिमिलरली यहां पर भी करिए तो क्या होगा, एक रेडिकल यहां पर, एक रेडिकल यहां पर, ऐसे है। अभी क्या करना होता है आपको, साइक्लोप्रोपेन बनाना होता है, मैंने बोला है कि 1,5-diradical जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, दिस इज योर फिफ्थ पोजीशन, यानी यहां पर तो क्या है रेडिकल रहेंगे, तो आप क्या करोगे इन दोनों को ज्वाइन करवाओगे, तो जब हम ज्वाइन करेंगे इसको, ये ज्वाइन हो गया, बॉन्ड बन गया, अब ये बन गया हमारा क्या 1,5-diradical। तो यहां तक आ गए, ये सारे स्टेप्स जो होते हैं कॉमन होते हैं डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट में, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब आगे क्या करना है, दो चीजें हो सकती हैं, अच्छा ये तो सिंपल है क्योंकि यहां पे क्या है CH2 लगी होगा, है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी देखो ये वाला बॉन्ड तो हमने इसको बनाया है अभी अभी, है ना, और अगर जो बनाया है उसको ब्रेक कर नहीं सकते क्योंकि वापस सारे स्टेज पर आ जाएंगे, तो क्या होगा इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्योंकि यहां पर जो सिस्टम है पूरा सिमेट्रिकल है, अगर यहां से ब्रेक करोगे तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, यहां से करोगे तो भी सेम मिलेगा। मैं आपको बाकी एग्जांपल कराऊंगी जिसमें आपको अलग अलग सिचुएशन मिलती है, बट यहां पर तो देखो मैंने मान लिया कि इस वाले बॉन्ड को मुझे ब्रेक करवाना है, तो बेसिकली क्या है आपका ये साइक्लोप्रोपीन बन गया इस तरह से, ये वाला आपका नया बॉन्ड बना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे क्या, इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करवाओगे,
या क्लेम करने की कंडीशन होती है जो आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स में। अभी ये संरचना देखो क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से सेम है, तो किसी को भी ब्रेक करवा दो, मान लो इसको करवा दिया मैंने, ठीक है, तो क्या होगा, पहले मैं आपको एक एक स्टेप खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो क्या होगा, एक रेडिकल यहां पर आया है ना, और एक रेडिकल आएगा यहां पर, ऐसे ही बनेगा। अभी क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, हमने क्या किया, इनका बॉन्ड बनवा दिया, ठीक है। और क्या होगा, जो ये अपना ये रेडिकल और ये रेडिकल, ये भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें ये यहां पर ऐसे देखो वन टू थ्री, थ्री मेंबर्ड रिंग बनेगी, तो हमारी ये बन गई थ्री मेंबर्ड रिंग। तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, इस तरह से करना होता है। तो इससे आप क्या करोगे, जैसे भी आपको दिख रहा है कि आपको रिएजेंट दिख गया, मतलब जो है सब्सट्रेट है वो दिख गया, कि दो पाइबोंड है उनके बीच में सैचुरेटेड कार्बन, आप क्या करोगे, दोनों को रेडिकल की फॉर्म में लिखो, जो एक एक साइक्लोप्रोपेन बनवा दो, ठीक है, जो नीचे वाली पोजीशन बचेंगे वन और फाइव उस पर रेडिकल रहने दो। अब जो नया बॉन्ड बना है साइक्लोप्रोपेन जैसा, जो नया बॉन्ड बना है उसको ब्रेक नहीं करवाना है, जो बाकी के दोनों बॉन्ड है उनमें से किसी एक को ब्रेक करवाना है। एक को ब्रेक करवाने से डबल बॉन्ड बनेगा और दूसरे को जब ज्वाइन करवाओगे तो क्या बनेगा आपका, साइक्लोप्रोपेन। और मैंने पहले ही बोला था ये आपका इसमें प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये तो इसी था, अभी आते हैं अपने एग्जांपल्स पे जिनमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी, ठीक है। तो पहले इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो कर लो, जैसे आप अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे तो पहले खुद से ट्राई करो, जो मैकेनिज्म आपको मैंने अभी दिखाया है उसी को फॉलो करना एक बार, ठीक है। अब कुछ जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है वो तो कर लोगे, उसके बाद कंफ्यूजन होगी कि कौन से वाला बॉन्ड हमें ब्रेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, यहां पर है ना, लिखते हैं यहां पर लगे हुए दो मिथाइल CH3CH3, यहां पर लगे हैं दो फिनाइल PH, और यहां पर लगा है आपका ये CH3, लिखते हैं थोड़ा कि और थोड़ा क्लियर हो इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो पहले क्या था भाई, कि इसको ब्रेक किया, इधर लगाया रेडिकल, यहां पर लगाया और यहां पर लगाया। अच्छा, मुझे ना एक बात क्लियर कर दी थी, मैं जो आपको यहां पर समझाती हूँ इस चैनल पर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म आपको बता देती हूँ मैं जो बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, जैसे अब ये वाला मैकेनिज्म है ऐसा वो कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर जो लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इसको देख रहे हैं तो वो डायरेक्टली ऐसे ही मत लिखा हुआ पेपर में, टीचर पूरा काट देगा, क्योंकि कि कैसे आपको समझाने के लिए बता रहे हो, क्वेश्चन किस तरह से आपको सोल्व करना था, कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, आपको समझ में आए रिएक्शन किस तरह से हो रही है। बट कई बार ऐसा होता है कि मैकेनिज्म एक्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको समझाने के लिए करवाती हूँ मैं, ठीक है। तो एक बार जो भी पढ़ाती हूँ, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, मान लो आपके सेमेस्टर एग्जाम में यानी डायफ्राम है रीअरेंजमेंट, अब आपको क्या होगा, इस वीडियो के बाद आपको प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा। लेकिन पेपर में क्या होता है, सब्जेक्टिव पेपर जो होता है सेमेस्टर एग्जाम, उसने आपको 4 मार्क्स में पूछ लिया मान लो, अब क्या है, आपको बुक की लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी, मतलब जो मैकेनिज्म दिखाया हुआ है वैसे आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए चैनल को रेफर कर रहे हो तो पहले यहां से पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद बुक से पढ़ो एक बारी, उसके बाद जो बुक में लिखा हुआ है उस तरह से लिखे आओ पेपर में, मतलब उस तरह से आपको लिखना है, एटलीस्ट स्टेप्स तो बुक वाले फॉलो करने, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अभी करते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसको हटाएंगे बॉन्ड बनाएंगे यहां पर, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बोला था मैंने आपको, कि जो ये साइक्लोप्रोपेन जैसा बना है, ये तो हमारा नया बॉन्ड है, इसको ब्रेक करवाएंगे नहीं, ब्रेक करवाए तो वापस पहले जैसे पहुंच जाएंगे। क्या कर सकते हैं, या तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करवा सकते हैं या फिर इसको करवा सकते हैं। अब जो हमारा पहले वाला एग्जाम्पल था उसमें हमारे दोनों बॉन्ड्स क्या थे, इक्विवेलेंट थे, मतलब इसको ब्रेक करवाओगे तो भी सेम प्रोडक्ट आना था, इसको करवाओगे तो भी सेम आना था। बट यहां पर क्या है, थोड़ा सा अलग होगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड ए, इसको बोलते हैं बॉन्ड बी, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि अगर हम बॉन्ड ए को ब्रेक करवाते हैं तो क्या होता है, देखो एक रेडिकल यहां एक रेडिकल यहां, ये तो पहले से था है ना, तो बस यहां लगाना है, ऐसे करके हमने यहां लगाया और एक रेडिकल यहां पर आ गया। उसके बाद यहां देखो दो CH3 लगे हुए हैं और एक हमने रेडिकल लगा दिया, दो CH3 पहले से लगे हुए थे, एक ये वाला बॉन्ड यहाँ पर रेडिकल आ गया, इतना ठीक है, सिर्फ उसको मैंने ब्रेक किया, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो ये रेडिकल आएंगे क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर बनवा देते हैं इनका डबल बॉन्ड ये, और ये अपना CH3CH3, उसके बाद यहां पर ये आया, और ये क्या करेगा अपना, ये बनाने के बाद इसको चलो ऐसे रखोगे के लिए, ऐसे ये अपना रेडिकल रह जाएगा,
और ये इस तरह से यहाँ पर रेडिकल ये बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन तो बनना ही है, ये वाला और ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन नंबर 1, 2, 3। तो क्या करेंगे, 3 मेंबर रिंग बनेगी, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। जो ये वाली कार्बन है इस पे लगे हुए दो पीएच, और जो ये वाली कार्बन आई है ज्वाइन करने के लिए इस पे लगे हुए दो CH3। इसको ऐसे करके लिख लो, ठीक है। ये बना आपका प्रोडक्ट इस वाले केस पे जब हमने बॉन्ड ए को ब्रेक करवाया है। तो अब क्या करेंगे, पहले बॉन्ड बी को ब्रेक करवा के देखेंगे। प्रोडक्ट तो आपके दोनों ही बनेंगे, बट कौन सा मेजर रहेगा कौन सा माइनर रहेगा उसके लिए हमें पहले दोनों बनाने पड़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम मान रहे हैं कि हम बॉन्ड बी को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, CH3 ये था रेडिकल, ये हमने बनाया यहां पर PH। इधर देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो रेडिकल यहां पर आएगा, ये वैसे का वैसे रहेगा और एक आ गया यहाँ पे रेडिकल। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करवाएंगे, है ना, डबल बॉन्ड बना लेंगे ये, तो यहाँ पर आ गया हमारा डबल बॉन्ड, इतना ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये वाली कार्बन जो है इससे कंबाइन करेगी, 1, 2, 3 मेंबर रिंग बनेगी, तो ये कैसा दिखेगा हमें, ऐसा, और इस कार्बन पे लगे हुए 2 CH3 और इस वाली कार्बन पे क्या है 2 CH3 इस तरह से, और यहां पर रखना है ये वाला। तो अब है आपके पास दो प्रोडक्ट, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब आपको बताना है कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, कैसे देखोगे। अगर हम इन दोनों से डिसाइड करवाना है कौन सा मेजर है कौन सा माइनर, तो कैसे देखेंगे, डिपेंड करेगा जो इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल किस वाले केस में है। देखो ध्यान से, जो हमारा ये वाला इंटरमीडिएट बना था यहां पर, तो इसमें जो ये रेडिकल है वो किससे अटैच है, 2 फिनाइल रिंग से। फिनाइल क्या है, आपकी बेंजीन रिंग ही तो है, ये ऐसे करके यही है ना। तो यहां पर क्या, जो ये रेडिकल है वो क्या कर सकता है, यहां पर डीलोकलाइज हो सकता है, और यहां पर क्या है, कॉन्जुगेशन की वजह से ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। अगर हम कंपेयर करें, जैसे बॉन्ड बी को ब्रेक किया था, तो यहां पर देखो बॉन्ड बनने के बाद ये जो रेडिकल यहां पर आएगा जो कि 2 CH3 से अटैच है, ये वाली कार्बन है ना। वैसे तो ये टर्शियरी रेडिकल है, स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, बट उससे स्टेबल नहीं है क्योंकि यहां पर क्या है, कॉन्जुगेशन की वजह से 2 फिनाइल रिंग लगे हुए हैं, तो कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल है वो। तो क्योंकि ये वाला रेडिकल, सॉरी ये वाला इंटरमीडिएट आपका ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, और ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट। इस तरह से देखते हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या है, पेपर में टाइम तो होगा नहीं कि पूरा लिख के देखोगे, तो पेपर में हम कैसे करेंगे, हमें पता है जो भी, जैसे मान लो ऐसा था ना, वहां देखते हैं ऐसा था ना सब्सट्रेट, इस तरह से दिया होगा, आप क्या करोगे, आपको पता है ये बॉन्ड तो ब्रेक होना ही है, तो आप इसको ज्वाइन करवा दो ऐसे करके, आपको पता है एक रेडिकल यहां आएगा एक रेडिकल यहां आएगा। अब आपको ऑलरेडी दिख रहा है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, रेडिकल, ये वाला स्टेबल ज्यादा है, तो आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करवाओ। मतलब अगर ये स्टेबल है तो ये रेडिकल के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो ये बॉन्ड बनाएगा, तो एक ही बॉन्ड ब्रेक करके यहां पर क्या करोगे, डायरेक्ट लगाओ डबल बॉन्ड और इसको ज्वाइन करवा दो इसके साथ, ठीक है। पेपर में इस तरह से करोगे, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आती है मैं किस तरह से बोल रही हूँ। अभी आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो पहले खुद से ट्राई करो, बाकी मैं करवाती हूँ। अब लग रहा है डाइपाइमिथाइल रिअरेंजमेंट जैसा,
अभी दिख गया होगा है ना, तो बस अब कुछ नहीं करना। कैसे है ये 1 2 3 4 5 मिल गया, वैसे ही वाला जैसे हमारे पास था पहले स्टार्टिंग में, इस तरह का होता है। तो ये भी इसी तरह का है, बस अब लगाओ डाइपाइमिथेन। किस तरह से होगा, जो कि दो बोन गिवन है, इधर रेडिकल इधर रेडिकल, ठीक है, इसको भी ब्रेक करते हैं। ये अभी क्या होगा, हमें साइक्लोप्रोपेन रिंग बनानी है, तो उसको बनाते हैं। कैसे बनेगी, जब इस टू वाले को फोर वाले से अटैच होगा क्या बनेगा, थ्री मेंबर सिस्टम बनेगा, तो बस हमें वही बनाना है। इसको इससे करवाना है, तो उसको यहां पर लगा के रखो ऐसे कैसे, ये वाला रेडिकल वैसे ही रहेगा, वन और फाइव पोजीशन पर सेम रहेगा, क्योंकि 1 5 डायरेक्ट है तो बनना ही है, और टू को फोर से अटैच करवाओ। तो हमने ये करवा दिया, और जो बाकी बोन है उसको वैसे का वैसे लगा के रखो, ठीक है। अब इस ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। जो ये वाला बोन था ये तो हमारा अभी बना है ना, तो इसको तो ब्रेक करेंगे नहीं, कौन से बोन बचे, या तो ये वाला टूटेगा या फिर ये वाला टूटेगा, है ना। अभी क्या करना है आपको, दोनों ब्रेक करके देखोगे वैसे तो, लेकिन ध्यान रखना एक बात, वो ये कि स्टार्टिंग में जो हमारी रिएक्शन थी, ये रिंग मतलब सिस्टम था ना पूरा बेंजीन वाला सिस्टम, तो ये क्या है, एरोमेटिक, और हमें डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट करवाने के चक्कर में इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा दिया, और ये सिस्टम क्या है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन तो हमारा एरोमेटिक होता है, और हमने क्या कहा, इसके एरोमेटिसिटी को ब्रेक कर दिया है, तो ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है। तो रिएक्शन चाहे ये डाइपाइमिथेन ही हो, लेकिन यहां पर क्या होता है, क्योंकि आपने इसको इसकी एरोमेटिसिटी को ब्रेक करवा दिया है, ये आगे भी अपने स्टेप्स में, जो आगे वाले स्टेप्स होंगे रिएक्शन की, उनमें ट्राई करेगा वापस से अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करने का। आप ऑर्गेनिक में ना कोई भी रिएक्शन देख लो, बेंजीन के ऊपर जो भी रिएक्शन करवाओगे, चाहे उसके कुछ भी स्टेप में क्या हो, एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाए, बट कहीं ना कहीं वो वापस जाकर उसको रीगेन कर ही लेता है, तो यहां पर भी वही होगा। क्या करेंगे इस वाले केस में, इसको अपनी एरोमेटिसिटी वापस चाहिए, वो कैसे आएगी, अगर आप एक बोन को ब्रेक करोगे, एक रेडिकल यहां लगाओगे एक यहां लगाओगे, तो ये रेडिकल आपसे क्या करेंगे, बोन बनाएंगे, वापस सिस्टम आ जाएगा, इसीलिए यहां पे एक बोन ब्रेक होगा, ठीक है। एक बोन जैसे ही ब्रेक हुआ तो क्या होगा, एक रेडिकल यहां एक रेडिकल यहां, इसको क्या करेगा, बोन बनाएगा, ये लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही लिख रही हूं, यहां पर ऐसे लगाया था ना मैंने, उसको ऐसे ही लगाओ, ये बोन वापस बन गया, ये दोनों वापस से बोन बन गया, एक रेडिकल यहां पर है, ये डबल बॉन्ड है, और ये एक रेडिकल यहां पर है, और ये क्या लगा हुआ इसका पीएच, देखो ठीक किया है, सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यहां पर हमें बॉन्ड बनाएंगे, और ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इस वाले केस में आप बी को ब्रेक करके देखना चाहो तो कर सकते हो, मैं कर देती हूं, ये था, क्या करोगे, बी को ब्रेक करके देखो, अगर बी को ब्रेक करोगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो दोनों है ना, ए भी ब्रेक हो सकता है बी भी हो सकता है, ए को हम इसलिए कहेंगे क्योंकि क्या, ये ज्यादा एरोमेटिक हो जाएगा, इसको करके देखो, अगर इसको हम ब्रेक कर दें, एक रेडिकल यहां लगाएंगे एक रेडिकल यहां लगाएंगे, तो क्या होगा, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, और क्या होगा, ये रेडिकल आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ये थ्री मेंबर रिंग तो यहां पर भी बनेगी, जो देने पर अजीब होगी बट बनेगी यहां पर भी थ्री मेंबर रिंग, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट इसका बॉन्ड बनवा भी दूं यहां पर ऐसे करके, अगर मैंने ये बॉन्ड बनवा भी दिया, तो क्या आप देख रहे हो कि वाला जो बेंजीन है वो एरोमेटिक नहीं है, जबकि इस वाले प्रोडक्ट में हमारी बेंजीन रिंग जो है वो एरोमेटिक है। इसीलिए जो फिनाइल वाले केसेस होते हैं ना, सब में आपको ट्राई करना है वापस से बेंजीन बनाना है, जो फर्स्ट टाइम में ब्रेक करवाओगे बॉन्ड, उसको आपको लास्ट में वापस बनाना है, ठीक है, इस तरह से करना है। अब आपको जो भी क्वेश्चन दिखेगा उसमें अलर्ट रहना कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी को वापस से हमें रीगेन करवाना ही है एग्जाम्पल्स में। अब देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमें करना है, थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, यहां पर भी दिया हुआ है, हमारे पास है कुछ इस तरह का सिस्टम, फ्री लगे हुए दो फिनाइल, जैसे हम इसको देखेंगे सबसे पहले देखते हैं, जैसे एग्जामिनर ने दिया है हमें, क्या उसी वाले फॉर्म में लेके हमें मिल रहा है कि हमारा डाइपाइमिथेन हो सकता है, तो आपको यहां दिख रहा होगा ये हमारे पास दो बॉन्ड है, बीच में क्या है, सैचुरेटेड कार्बन, तो इसको हमें ओपन करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट जैसा सब्सट्रेट हमें ऑलरेडी दिख रहा है, तो इसको चेंज करवाने की नीड नहीं है, इसे भी करते हैं। कैसे करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, रेडिकल लगा यहां पर, ठीक है, फिर क्या करेंगे, थ्री मेंबर रिंग बनाते हैं, क्योंकि 1 5 डायरेडिकल बनना है,
वन टू थ्री फोर फाइव, वन फाइव डायरेक्टल, ठीक है ये बन गया। नेक्स्ट टाइम भी क्या करेंगे, अभी देखो ये वाला बोर्ड तो अभी अभी बना ही तो ब्रेक होगा नहीं, बोर्ड कौन सा ब्रेक होगा, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। आप देखोगे कि आपने फिर से डायपाइमिथेन करवाने के लिए क्या किया है, बेंजीन की एरोमेटिसिटी को खत्म कर दिया, तो फिर से वो वही काम करेगा, कौन सा बोन ब्रेक करवाएगा, ए वाला बोन ब्रेक करवाएगा। जैसे ए ब्रेक होगा, नेक्स्ट टाइम लिखते हैं एक रेडिकल यहां पर है, अगर मैं ए को ब्रेक करवा रही, अगर ए ब्रेक हुआ तो एक रेडिकल यहां पर आएगा और ये हमारा बनेगा फिनाइल, फिनाइल यहां पर और ये आया रेडिकल, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे आपने ए को ब्रेक करवाया है तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारा बेंजीन वापस मिल गया हमें इस तरह से, और क्या करेंगे आपस में बॉन्ड बना लेंगे इसके साथ। तो मैं काम करती हूँ यहाँ पर डायरेक्ट बना देती हूँ ऐसे करके, दो पीएच पीएच, ठीक है ये बनेगा, इसको हटा दो ऊपर से, इसको ऊपर से हटा देते हैं, तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये कौन से वाले केस में है, जब आपने ए वाले बॉन्ड को ब्रेक करवाया, ठीक है। अभी आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, अगर मैं बोन्ड बी ब्रेक करवा दू, यही होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, इसको ध्यान रखना, मेजर तो यही है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं कि अगर हम बी को ब्रेक करवाएं तो क्या होगा, अगर बी को ब्रेक करवाओगे तो ए आपका ऐसे कैसे रहेगा, फिनाइल फिनाइल यहां पर आएगा रेडिकल, ठीक है। और क्योंकि बी जो बी है ये वाला ब्रेक हुआ है तो यहां पर रेडिकल, यहां पर रेडिकल और ये बन गया ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप क्या करेंगे एक थ्री मेंबर रिंग बना लेंगे इस तरह से, यहां से इसको ब्रेक करो, यहां से करो और ये ऐसे करके, ये क्या होगा आपका थ्री मेंबर सिस्टम बन गया। आप देखोगे जो ये बेंजीन है ये क्या है आपका एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन रहा ही नहीं, अब ये स्टार्टिंग में बेंजीन था बट ये रहा नहीं, तो ये क्या है आपका माइनर प्रोडक्ट, ये नहीं मतलब बहुत ही कम बनेगा, और ये है आपका मेजर प्रोडक्ट क्योंकि यहां पर क्या है बेंजीन वापस से इंटैक्ट है, ठीक है। इस तरह से करना होता है इसी क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब जो क्वेश्चन फोर है, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, फोर्थ को अपने आप करके देखो, करिए आप कर लोगे फोर्थ क्वेश्चन। अगर आपको नहीं दिख रहा फोर्थ क्वेश्चन में कि डायपाइमिथेन कैसी होगी, तो आप क्या करोगे दोनों फिनाइल को ओपन करके लिख दो, आपको समझ में आएगा किस तरह से होंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था अगर आपको फर्स्ट साइड पे नहीं दिखता कि किस तरह से हो रही है रिएक्शन, तो फिर फिनाइल को ओपन करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, पीएच और यहां पर भी लगा है फिनाइल, हाँ और यहां लिखा है एच, ये है। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह से होगा, क्या करेंगे काम करते हैं इसको ओपन करते हैं। तो आप देखोगे इसको ओपन करने से क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड है, इसका जो कार्बन है उसमें भी डबल बॉन्ड है, तो बीच में तो सैचुरेटेड कार्बन आई नहीं, तो इसको ओपन करने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसको करते हैं इसको जब कोई फायदा नहीं, तो पीएच लूंगी मैं वापस से, ठीक है, क्योंकि इसको तो फिर देख के हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में कोई सैचुरेटेड कार्बन नहीं आएगी, तो इसको ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसको ऐसे करके लिखते हैं यहां पर ऐसे। ये है, अब देखो ध्यान से, अब आपको दिख गया होगा एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, और हमारा बीच वाला क्या है सैचुरेटेड sp3 कार्बन, ठीक है। अब हो जाएगी रिएक्शन, कैसे करवाओगे, पहले तो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, मैं यही कर देती हूं, एक रेडिकल यहां पर, एक रेडिकल यहां पर, सिमिलरली इसको भी ब्रेक करो, एक यहां पर, एक यहां पर, क्या बनाना है 1,5 रेडिकल, 1,2,3,4,5, 1,5 को ऐसे, और ये क्या बनेगा यहां पे बॉन्ड बनेगा, तो उसको बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये वैसे क्या वैसे रहेगा, बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, तो यहां पर ऐसे ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये और अपना ये, कितना बन गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो दो पॉसिबिलिटी हैं, ये तो अभी अभी बना है, ये तो ब्रेक होगा नहीं, या तो इसको ब्रेक कर दो या फिर इसको ब्रेक कर दो। अगर आप ये देखोगे, अगर आप रेडिकल की स्टेबिलिटी देख लीजिए हमारे पेपर में, तो क्या करोगे आप बोलोगे ये वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है फिनाइल रिंग से हमारा अटैच है, कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा स्टेबल होगा। कॉन्जुगेशन तो ये भी है, बट यहाँ पे क्या है दो बॉन्ड हाथ कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर तीन बॉन्ड हाथ कॉन्जुगेशन है, इस लाइफ को ज्यादा स्टेबल बोल दोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये बेंजीन रिंग है,
जिसकी एरोमेटिसिटी गई है यहां से तो वापस लाना है इसको, ऐसे का ये ब्रेक होगा और ये वाला ब्रेक होगा, तो ये रेडिकल यहां पर आएगा, ये बॉन्ड बनाएंगे आपस में, ये वाला अपना नया बॉन्ड बन गया वापस आने से, और जो ये रेडिकल एक यहां पर आएगा ये और ये आपस में वापस बॉन्ड बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों का बॉन्ड बनवाया, इसको इस साथ बॉन्ड बनवा दिया, बीच में तेवल का ऐसे और ये सी एच टू अपना यहां पर। ठीक है, तो फोर्थ का ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव मेंबर रिंग हमें गिवन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ट्राई करो, थोड़ा सा ट्विस्ट है वो मैं बता दूंगी आपको। ये और ये अपना एच नोट, क्या करोगे? अच्छा ये भी है, मुझे लगा वो तो हो ही नहीं लड़ाई पाए। हाँ ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें आपको दिख रहा है अगर ये दोनों डबल बॉन्ड कंसिडर करो तो इनके बीच में क्या है, एस पी थ्री कार्बन नहीं है, इन दोनों के बीच में है, तो आपको यही करवाना है बस। क्या करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे, एक रेडिकल यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करवाएंगे। ये तो हमें समझ में आ गया इतना तो, है ना। अब क्या करेंगे, ये तो ब्रेक होएगा नहीं, नया बॉन्ड बना है, या तो ये वाला ब्रेक करेगा या फिर ये वाला करेगा। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो मुझे पूरा खोल के दिखाना पड़ेगा, तो पहले हम करते हैं ए वाले को ब्रेक। हमने क्या किया, ए वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा, एक रेडिकल यहां पर आएगा, जैसे ही रेडिकल आएगा तो रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बनाएंगे। देखो जैसे ही रेडिकल आएगा बॉन्ड बना लिया, एक रेडिकल मैंने यहां पर रखा है, और क्या होगा, इधर रेडिकल और ये दो फिनाइल, ठीक है, दो मिथाइल। ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो ऐसे करके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये और ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनवा देते हैं, थ्री मेंबर रिंग बननी है, वन टू थ्री फोर, फोर मेंबर रिंग है, यहां मैंने बना दी, यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी लगा दिया। अब ये और ये करेंगे, थ्री मेंबर रिंग बनाएंगे यहां पर ऐसे करके, तो ये तुम्हारी ये वाली कार्बन है, यहां पर लगेंगे दो मिथाइल ग्रुप्स, इस वाली कार्बन पे। ठीक है, तो यहां पर आया है हमारा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अभी आपको देखने से लग रहा है कि ये तो फोर मेंबर और थ्री मेंबर आपस में स्टेबल तो होंगे नहीं, तो अभी देखते हैं बाकी दूसरे वाले पोजीशन से क्या है। अगर हमें कंसीडर करें कि हमने बी वाला बोन ब्रेक किया है तो क्या होगा, एक यहां पर, एक यहां पर, जैसे ही रेडिकल यहां पर आएगा इसको ब्रेक ही कर देता है, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है, तो एक रेडिकल यहां पर, एक रेडिकल यहां पर, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बोन बनाएंगे। बना दिया, ये वाला रेडिकल यहां पर है, ठीक है, और ये क्या है, ऐसे करके अपना ये रेडिकल, और लास्ट में ऐसे, ये आप क्या करेंगे, इनका हमें बोन बनवाना है तो बोन बना लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। वन टू थ्री, थ्री मेंबर रिंग बनेगी, तो ये यहाँ पे हमें हमारा फोर मेंबर सिस्टम, ये वाला यहां पर, ये और ये, और यहां पर है ये, और साथ में लगे हुए हैं। तो हमारे पास अभी आप देखोगे दो प्रोडक्ट हो गए, एक तो ये वाला है, ये वाला है। प्रोडक्ट इस रिएक्शन के दोनों ही बनेंगे, बट वही बात है, मेजर कौन सा बनेगा, माइनर कौन सा बनेगा, तो कैसे डिसाइड करोगे। जो हम यहां पर बोल रहे थे कि फोर मेंबर के साथ थ्री मेंबर की लगी हुई है तो स्टेबल तो नहीं है, फोर और थ्री साथ में दोनों में ही स्ट्रेन है, ऐसे ही इस वाले केस में वही है, फोर के साथ थ्री है तो ये भी स्ट्रेन की वजह से स्टेबल नहीं है, है ना। तो कैसे डिसाइड करें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो मैं बोल रही हूँ कि ये वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, जो ये है वो आपका मेजर प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों होगा, कोई रीजन आपको दिख रहा हो, तो सिर्फ एक ही रीजन है कि यहाँ पर जो दोनों डबल बॉन्ड है ना, ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, मतलब इसको मैं ब्रेक करूं ऐसे करके नेगेटिव यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, इसको ब्रेक करवा, मतलब यह है कॉन्जुगेशन में है, जबकि यहाँ पर क्या है, दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए ये वाला आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो बस इतना ही था आपका डायपाइमिथेन रीअरेंजमेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीजें आपको इससे क्लियर हो गए होंगे। अब ट्राई करना बुक से और एग्जांपल सॉल्व करिए, क्योंकि पेपर में ऐसे आते रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक बार देख लेना। आई होप हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।